तो हाय गाइस, अगर तुम यार पबजी मोबाइल में एक रैंक पुशर हो तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए पर्सनली बताऊं तो भाई एक तरीके से इम्पोर्टेंट है यार। पूरी देखना, क्योंकि भाई अगर तुम इसे पूरा नहीं देखते ना तो यार तुम एक ऐसी जगह चले जाओगे, एक ऐसे दलदल में चले जाओगे भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है शो ऑफ करने के चक्कर में। तो वीडियो पूरी देखना क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम भाई, मैं और बंदूकबाज कॉन्करर के लिए रैंक पुश कर रहे थे, तो अपन उतरे थे पोचंकी और भाई तभी ये महाशय दिख जाते हैं, तो हम इन्हें पेल देते हैं। तो अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो ये है भाई एक कॉन्करर लोबी, क्योंकि भाई बंदूकबाज की जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा सही है और उसकी सर्वर रैंकिंग भी है। तो अब ये कि कॉन्करर लोबी का गेम प्ले है तो इसमें बंदे तो सारे अच्छे होंगे ही, बट भाई जो हमारे साथ इस लोबी में गलत सीन होने वाले हैं वो तो भाई मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल है। तो अब यहाँ पे इधर से एक बंदे ने फायर करा था तो मैं उसकी तरफ भी जा रहा था, और अभी मेरे पास एक AKM वेस्ट भी है और मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ। जैसे ही मैं इसकी क्रेट लूटने जा रहा था मुझे साइड से बंदों के फुटप्रिंट आते हैं और मुझे पता लग जाता है, तो मैं यहीं पे TPP लेने लगता हूँ, बट इतने में वो बंदा आके जंप करने लगता है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इनका कि भाई ये बाहर आ जाए दूसरा बंदा भी। तो यहाँ पे ये एक भाई मीटअप था जो कि अपन करते ही रहते हैं, और भाई इन बंदों से मिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इन्होंने मुझे MOD 1 3X भी दे दिया, तो भाई धन्यवाद, मतलब इससे हम मैच में भी तबाही मचाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमने इन बंदों को तो छोड़ दिया क्योंकि भाई इन्होंने गन निकाल ली थी और अपन करने लग गए इनसे मीटअप। तो भाई हम आते हैं यहाँ पे और भाई इतने में बंदूकबाज को यार कोई नॉक कर देता है। तो वो बंदा जो है भाई मतलब स्प्रे तो मेरे ऊपर देता है, बट पता नहीं बंदूकबाज को कैसे नॉक कर दे वो। तो चलो बचाते हैं यार अब। तो अब जो बंदा पुश कर रहा था मैं इसे तो नॉक कर देता हूँ, और सबसे पहले हील करते हैं भाई, फिर रिवाइव करेंगे बंदूकबाज को, क्योंकि भाई सामने वाली टीम में भी यार अच्छे ही बंदे हैं। तो उसके बाद भाई मैं जैसे ही इधर आता हूँ मुझे यहाँ पे नोक पड़ा हुआ दिखता है, तो मैं इसे फिनिश करना ज़्यादा सही समझता हूँ। और इसका बंदा जो है भाई ऊपर है, कैंप कर रहा है, तो मैं नहीं पुश करूँगा यार, क्योंकि हम जो है भाई लीग पुश कर रहे हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा, वो हो सकता है मुझे फिनिश ही कर दे। तो जब भी तुम लीग पुश करो तो भाई थोड़ा सेफ खेलना। सेफ खेलने का मतलब लोंडे सोचते हैं कि भाई मतलब कैंप गोम्प करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं, तुम्हें थोड़ा डिफेंसिव खेलना है और दिमाग से खेलना है। तो अब जैसे ही मेरा टीममेट आ जाता है पीछे से बंदूकबाज, वो कहता है रश कर, तो भाई मैं कर देता हूँ और इस बंदे को आराम से पेल देता हूँ। मैं इससे पहले भी पेल सकता था बट तब मेरा टीममेट नहीं था, और अगर मैं नोक होता तो भाई वो फिनिश ही कर देता और 50 माइनस। तो अब यहाँ पे हम पोचिंग की भाई पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं, और बंदूकबाज ने यहाँ पे मीटअप वालों बंदों को ये में से एक नॉक कर दिया। भाई देख लो ये असलियत है इसकी भी। तो उसके बाद हम भाई जोरजबुल की तरफ आते हैं और हमें ये तन्हा बंदा दिखता है अकेला, पता नहीं कहाँ भटक रहा था ये। और भाई बंदूकबाज तो इसे पेल देता है, बट इसका टीममेट जो था भाई वो हमें ढूंढना था कहाँ है साइड साइड में, तभी भाई वो मुझे पत्थर के पास दिखता है और इसके टीममेट को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। बट भाई पीछे जैसे ही मैं मार्क लगाने वाला था कि बंदूकबाज ने पूछा कहाँ मार रहा तूने इसका टीममेट, भाई तभी एक गाड़ी आ जाती है। और भाई इस गाड़ी वाले बंदे की ना मतलब किस्मत यार पर्सनली बताऊँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत थी यार इसकी, बच गया भाई। ये देखो कितने सारे शॉट्स लगे और गाड़ी फटने वाली थी। तो अब हम थोड़ा सा पीछा करते हैं उस बंदे का और इधर की साइड आ जाते हैं गटका की तरफ।
और तभी हमें भाई ये दो बंदे दिखते हैं जिनमें से कि एक भी किल नहीं मुझे मिलता, सिर्फ डैमेज डैमेज। तो अभी ये दो बंदे भाई खड़े हो गए यहाँ पे ऊपर में, किसी के ऊपर फायर कर रहे थे, तो मैं गाड़ी पीछे रोक के इनके साथ ही स्कैम कर देता हूँ। तो यहाँ तक अपनी ज़िंदगी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, हम लूट रहे थे, बंदे पेल रहे थे और भाई एयर ड्रॉप भी लूट लिया हमने, और मतलब भाई पूरे खुश थे हम, हमारी लीग बढ़िया पुश हो रही थी। बट अब जो हमारे साथ आगे होने वाला था भाई, उसका अंदाज़ा मतलब कोई लगा ही नहीं सकता। तो हम और बंदे ढूंढ रहे थे भाई पेलने के लिए, क्योंकि अगर तुम किल्स करोगे तो ज़्यादा पॉइंट प्लस होंगे। बट भाई तभी हमारे साथ ये वाला सीन हो जाता है। भैया इनके पापा थे हैकर और इनकी मम्मी थी नो रिक्वाई, तो जब दोनों का मिलन हुआ तो ये पैदा हुए। देख रहे हो कैसे मार रहा है लूडो को, लेकिन इन लोग को क्या लगता? तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा भाई, इन्होंने हमें मारा है भाई जब 33 बंदे अलाइव थे, और अगर इतने पे भी भाई तुम मरते हो ना एक अच्छी सी लोबी में, तो यार बंदूकबाज का तो मैं तुम्हें कन्फर्म बता रहा हूँ 45 से कम तो भाई माइनस हुआ ही नहीं होगा, 45 या 40 माइनस हुआ होगा। तो अगर भाई तुम कभी भी लीग पुश करते हो तो भाई ये ध्यान रखना, तुम्हारा टाइम सिर्फ वेस्ट होने वाला है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। मतलब तुम भाई अगर इतना टाइम कहीं और यूज़ कर लो तो भाई ज़्यादा सही होगा, बट यार अगर लीग पुश करोगे तो भाई तुम्हारा सारा का सारा टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि भाई ऐसे दीवारों के आर पार तुम्हें मार दिया जाएगा। कुछ बंदे सोचते हैं कि भाई जो बंदा कॉन्करर में है भाई वो प्रो है, नहीं भाई वो प्रो नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक तो भाई उससे पूछो यार वो कितना स्ट्रगल करके गया था, और भाई फटके चार हो जाती है कॉन्करर जाने में, और बस तुम भाई हैकर से पिलते रहोगे, 6-6 घंटे खेल के तुम भाई 50 प्लस कराओगे, और एक हैकर आएगा एक झटके में तुम्हारा सारा मतलब जितना भी तुमने प्लस कराया था सब माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ भाई, जो कि मैंने पर्सनली मतलब सीखा है भाई पबजी मोबाइल खेलते खेलते। मैं 2 सीज़न कॉन्करर गया था, सीज़न 6 और सीज़न 9 में, और इस सीज़न भी भाई मैं ट्राई कर रहा था डुओ में पुश करने का बंदूकबाज के साथ। बट भाई जब मैं ये हैकर्स देखता हूँ तो भाई मेरा पूरा का पूरा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि भाई हम स्किल्स के ऊपर खेलते हैं, मतलब हमें कंटेंट भी चाहिए और भाई हमें बंदे भी मारने हैं। बट अगर हम इतना मेहनत करके मतलब खेल रहे हैं 6-6 घंटे और भाई 50 प्लस करा रहे हैं, और एक हैकर आके भाई झटके में माइनस करा दे रहा है, तो भाई बहुत बुरा लगता है। तो अगर तुम मेरे ओपिनियन पूछो कि भाई कॉन्करर के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, भाई कॉन्करर कैसे करें, भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा ये कॉन्करर पॉन्करर छोड़ो, इससे बढ़िया भाई तुम थोड़ी सी अपनी स्किल्स डेवलप करो और भाई अच्छे अच्छे कस्टम्स खेलो। और इसकी जगह भाई तुम अगर क्लासिक मैच में अंधा रश करके खेलोगे ना, फुल रश गेम प्ले अपना बनाओ, भाई तुम्हारे पे खुद ही बढ़िया खेलना आ जाएगा। बट भाई ये कॉन्करर पॉन्करर के चक्कर में मत पड़ना भाई, वरना दीवार के आर पार यार ऐसे मरोगे ना भाई, पर्सनली बता रहा हूँ भाई बहुत दर्द होगा जब तुम इतनी मेहनत से पुश करोगे, इतना टाइम दोगे और दीवार के आर पार मर जाओगे। तो बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे मैं हैकर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, भाई मैं किसी हैकर्स को प्रमोट नहीं करता, बट मैं तुम्हें अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई कॉन्करर पुश ना ही करो तो यार तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द बंदे जितने भी कॉन्करर गए हैं या तो बेचारे वो कैंप करके गए हैं, वरना तो भाई हैकर का सहारा लेते हैं और भाई फट से फ्रेम लिया, और मतलब स्किल्स उनके पास घंटा नहीं होगी बट भाई फ्रेम और टाइटल उनके पास होगा, तो यार वो चीज़ छोड़ देना मतलब बिल्कुल भी भाई। कॉन्करर जो यार चीज़ है ना भाई, यो हटा ही देनी चाहिए पबजी मोबाइल से, मतलब भाई क्या है, या तो ये हैकर्स बैन कर दो या मतलब कॉन्करर का भाई मतलब ही हटा दो भाई, कुछ नहीं होगा यार लीग पुश करके। और भाई जब तुम लीग पुश करोगे अपना सारा काम धंधा छोड़ के, तो शायद से तुम डिप्रेशन में भी चले जाओ जब ये तुम्हें मारेंगे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई गेम है फन के लिए खेलो। अगर तुम फन के लिए खेल रहे होगे और भाई तुम्हें कोई हैकर भी मार जाएगा तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, और ये हैकर देखना भाई कैसे चिकन डिनर लेगा। तो होप सो तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, और भाई अब तुम लीग पुश ना ही करो तो यार अच्छा है, अपना फ्रेंड्स के साथ खेलो, मजे लो, और भाई मतलब पूरी तबाही मचाओ एरंगल मैप में, मतलब पेलम पेल मचा दो बिल्कुल, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, तुम मुझे बताना तुम्हें मेरे ओपिनियन कैसे लगे इन हैकर्स के बारे में, भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, तुम लीग ही पुश मत करो या आएंगे ही नहीं।
तो हो सके तो इस वाली वीडियो को भाई अपने हर एक मतलब खतरनाक दोस्त के साथ शेयर कर देना जो कि भाई लीक पुश करना चाहता है, उसे भाई बता दो मतलब तुम्हारे साथ ऐसे ही सीन होने वाले हैं। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए पीस आउट।